नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल। हमारे किसान देश की शान। किसान भाइयों, किसान पाठशाला चैनल से बात कर रहे हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रबी फसलों के अंतर्गत जौ की बात करेंगे। किसान भाइयों, जौ का समर्थन मूल्य की बात करें तो वर्ष 2023-24 में 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 1635 रुपये था, 2022-23 में 1735 रुपये हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जो के रेट में इजाफा हुआ है। और भाई हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो किसान भाइयों, प्रत्येक जिले के अंदर जौ की खेती है जो की जाती है। कई बार रबी अन्य फसलों की बुआई कर लेता है किसान, तो लास्ट में देर से फसल होने के कारण जौ की बुआई करते हैं। खराब जहाँ पर ग्राउंड वाटर है वहाँ पर इसकी खेती हो जाती है। और विशेष रूप से राजस्थान की बात करें तो 65% भाग है वो असिंचित एरिया है, वहाँ पर भी रबी फसलों के अंदर जौ की बुआई की जाती है। जौ के आहार मूल्य की बात करें तो किसान भाइयों, इसके अंदर 75% कार्बोहाइड्रेट होता है, 11% प्रोटीन है, 1.3% इसके अंदर फैट वसा पाई जाती है। ज़्यादातर जौ का प्रयोग है वो माल्ट बनाने के लिए किया जाता है, पशु आहार में भी इसका प्रयोग किया जाता है किसान भाइयों। और सबसे पहले जौ की खेती के बारे में अपने बात करेंगे भूमि के बारे में। भूमि इसके लिए है जो दोमट मृदा, अच्छे जल निकास वाली जीवांश युक्त मृदा है वो अच्छी रहती है। भूमि की तैयारी की बात करें तो पहले किसान भाइयों, जौ के बारे में अपने भूमि की बात करेंगे तो जौ एक ऐसी फसल है किसान भाइयों जो लवणीय और क्षारीय मृदा में भी हो सकती है। पीएच यदि 8 से अबव है तो भी इसकी खेती है जो की जा सकती है। साधारणतः दोमट मृदा, अच्छे जीवांश युक्त जल निकास वाली मृदा इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है। खेत की भूमि की तैयारी की बात करें तो सर्वप्रथम किसान भाइयों, खेत है वो खरपतवार रहित अपने को करना है। मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार जुताई अवश्य करें, क्योंकि लगातार है वो 15 सेंटीमीटर तक हमारे ट्रैक्टर के द्वारा जुताई होती रहती है। रोटावेटर का ज़्यादा प्रयोग करने से भूमि है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, इसलिए केश नलिकाएं वो डिस्टर्ब हो जाती है और जो हमारी सब सॉइल है उसके अंदर एक हार्ड लेयर बन जाती है। उस लेयर को तोड़ने के लिए मृदा के अंदर एयर संचार अच्छा हो, हमारे जितने भी मित्र माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यदि उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो 1:10 की पावर 10 होती है, उनकी एक्टिविटी बढ़े, इसलिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार जुताई करें। उसके बाद में 2 बार कल्टीवेटर चला करके मिट्टी को भुरभुरा कर लें। मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई होने के बाद सिंचाई करने के पश्चात किसान भाइयों, गोबर की खाद है वो आप 50 क्विंटल यानी एक ट्राली है गोबर की सड़ी गली खाद का अवश्य प्रयोग करें। और उर्वरकों की बात करें तो किसान भाइयों, इसके अंदर उर्वरक है वो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम में फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। इस तरीके से भूमि को तैयार करें। खाद और उर्वरकों में जो डीएपी है वो 18 से 20 किलोग्राम डीएपी प्रति बीघा के हिसाब से पहले सीड ड्रिल के द्वारा बिजाई करें, उसके बाद में बीज को अपने बुआई करना चाहिए। बीज दर की बात करें तो किसान भाइयों, लगभग 90 से 100 किलोग्राम जो का बीज है वो पर्याप्त रहता है इसकी खेती के लिए। अब अपने क्लाइमेट की बात करते हैं जौ की खेती में। जौ की खेती के लिए शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त रहता है। बीज अंकुरण की बात करें तो किसान भाइयों, लगभग 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड ताप इसके बीज के अंकुरण के लिए बढ़िया रहता है। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और फसल पकते समय है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होना चाहिए। डिस्टेंस की बात करें तो किसान भाइयों, लाइन से लाइन की दूरी है वो 22.5 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर, गहराई है वो 4 से 5 सेंटीमीटर हमें रखनी चाहिए। अब किसान भाइयों, जो मुख्य बात आती है जौ के अंदर वो है वैरायटियाँ। इन वर्षों में हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है, कृषि विश्वविद्यालय है, हमारे अनुसंधान केंद्र, उन्होंने बहुत ही जौ की अच्छी वैरायटी निकाली है, अच्छा उत्पादन देती है। लगभग 15 से 18 क्विंटल है जो जौ का उत्पादन हो जाता है। वैरायटियों की बात करें तो RD 2052 बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके पौधों की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 85 से 95 सेंटीमीटर पौधों की ऊंचाई होती है किसान भाइयों। बीजों की बात करें तो 1000 बीजों का वजन है वो लगभग 45 से 50 ग्राम होता है। सुनहरी आभा लिए इसके बीज होते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो 45 से 60 क्विंटल इसका उत्पादन है जो हो जाता है। इसी तरीके से RD 2552 है, ये बरानी क्षेत्रों के लिए, इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है, 14 से 15 क्विंटल तक अच्छा उत्पादन हो जाता है यदि अच्छी बारिश हो जाती है। इसी तरीके से हमारी 2503 वैरायटी है,
2508 है, ये मौल्यारोधी वैरायटी है, ब्रानिक क्षेत्रों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से RD है जो 2624, ये वैरायटी भी बहुत अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों, इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में नेमेटोड मौल्या की बीमारी रहती है वहाँ पर है वो, अपने राजकिरण वैरायटी है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से एक वैरायटी की यदि बात करें तो किसान भाइयों, RD 2715 है, इसको हरे चारे के रूप में, एक कटाई के रूप में काम ले सकते हैं। दूसरी कटाई है वो बीज पकाने के लिए इसका प्रयोग है जो कर सकते हैं। लवणीय और क्षारीय भूमि है उसके लिए बहुत ही अच्छी है वैरायटी RD 2035, ये वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों। इसी तरीके से लवणीय क्षारीय भूमि है वहाँ पर BL2 बिलाड़ा 2 वैरायटी का भी अपने प्रयोग कर सकते हैं। RD 2794 वैरायटी है, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। इन सब वैरायटियों के अंदर यदि बात करें तो किसान भाइयों, सबसे जो बढ़िया वैरायटी है, टॉप की जो वैरायटी है वो है RD 2052। 2052 वैरायटी है वो सबसे बढ़िया है। इसका उत्पादन लगभग 15 से 18 क्विंटल तक, यदि हमने भूमि को अच्छी तरीके से तैयार किया है, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अच्छा किया है, तो सबसे टॉप वैरायटी है। इसी तरीके से ब्रानिक क्षेत्रों में बात करें तो सबसे बढ़िया वैरायटी है वो RD 2794 है, इसका अपने प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसान भाइयों, यदि अपनी भूमि रेतीली है, साथ में लवणीय भूमि है, क्षारीय भूमि है, खराब ट्यूबवेल का सिंचाई का पानी लगता है वहाँ पर है, RD 2035 बम्फर उत्पादन देती है। तो ये अपने वैरायटियों की बात कर रहे थे किसान भाइयों। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो कि बुआई का समय, ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, जो पछेती है जहाँ पर जमीन अपनी खाली रह जाती है वहाँ पर जौ की बुआई करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से यदि बात करें, साइंटिफिक तरीके से, तो इसकी बुआई का सही समय है किसान भाई वो 15 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक। यदि लेट बुआई करना चाहते हैं तो आप पूरे नवम्बर माह इसकी बुआई है जो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बीजा उपचार की किसान भाइयों। इसमें लूज समट एक बीमारी आती है, अनावर्त कंडवा, बल्ली के अंदर है जो काला पाउडर सा निकलता है, अस्टिलेगो न्यूडा एक कवक के कारण आता है, ये इंटरनली सीड बोर्न होता है। इसके लिए अपने उपचार करने के लिए कार्बोक्सिल दवा आती है, वो 70% WP 2 ग्राम 1 किलो बीज के साथ यदि अपने उपचारित कर लेते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है किसान भाइयों। इसी तरीके से टर्माइट दीमक की बात करें तो दीमक से बचने के लिए किसान भाई है वो क्लोरोपाइरीफॉस दवा लेकर के 400 ml 1 क्विंटल बीज के लिए 5 लीटर के अंदर घोल बना सकते हैं। ये दवाई नहीं है तो अमीडा क्लोप्रिड 17.8% दवा आती है, उसको 5 लीटर में घोल बना करके और 1 क्विंटल बीज को शाम को बीज उपचारित कर दें और परखरा कर दें, एक दिन उसको सूखने दें, दूसरे दिन बुआई करें। इसी तरीके से कल्चर की बात करें तो 3 पैकेट 200 ग्राम के अपने PSB कल्चर ले सकते हैं, 3 पैकेट है वो एजेक्टोबैक्टर 1 क्विंटल बीज के लिए, और इनसे उपचारित करें तो किसान भाइयों बहुत अच्छा फास्फोरस और नाइट्रोजन हमारी फसल को मिलता है। इस तरीके से किसान भाइयों, बीज उपचार जितना हम अच्छा करते हैं उतना ही हमें प्रोडक्शन है जो अच्छा मिलता है। इसके साथ साथ में वीड की बात करेंगे, खरपतवार है वो बहुत ज़्यादा फसल के अंदर नुकसान करते हैं, तो खरपतवार के लिए अपने एवाडक्स दवा है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और प्रथम सिंचाई इसमें लगभग 30 से 35 दिन के बाद में होती है, जब जमीन हमारी पैर रखने वाली हो जाए, तो चौड़ी पत्ती के जितने भी नदीन हैं उसके लिए अलग्रिप दवा है, मेट सल्फिरान मिथाइल 20% का प्रयोग कर सकते हैं। सक्रिय तत्व की बात करें तो 4 ग्राम हमें प्रयोग करना है, यानी 8 ग्राम दवाई है जो अलग्रिप के नाम से आती है, वो 1 एकड़ के अंदर 8 ढोलकी के अंदर इस्तेमाल करनी है, तो चौड़ी पत्ती के सब नदीन है जो कंट्रोल हो जाते हैं। इसी तरीके से गुल्ली डंडा है, उसकी बात करें तो आइसोप्रोटोन सक्रिय तत्व है, वो 500 ग्राम प्रति हेक्टर 500 लीटर पानी में मिला करके अपने स्प्रे करते हैं, तो बहुत ही अच्छा नियंत्रण होता है। इस तरीके से किसान भाइयों, जौ की खेती के अंदर हम भूमि का मैनेजमेंट प्लस उर्वरक प्रबंधन प्लस अपने क्षेत्र के अनुसार वैरायटियों का चयन करते हैं, तो बहुत ही अच्छा उत्पादन हमें मिलता है किसान भाइयों। ज़्यादा इसमें सिंचाइयों की आवश्यकता नहीं होती है, प्रथम सिंचाई 30 से 35 दिनों में हम करते हैं टिलरिंग स्टेज के ऊपर। दूसरी सिंचाई की बात करें तो 60 से 70 दिनों में बाली निकलते समय मिल्किंग स्टेज में। तीसरी सिंचाई है वो 90 से 100 दिन में करते हैं, तो बहुत ही कम खर्च में अपने जौ की खेती कर सकते हैं। जमीन के अंदर भी ये ज़्यादा पोषक तत्व इसे आवश्यकता नहीं होती है। इस तरीके से किसान भाइयों, हम जौ की खेती के लिए जितना अच्छा प्रबंधन करेंगे उतना ही हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो वीडियो किसान भाइयों आपको कैसे लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
हमारा उद्देश्य यही होता है भी किसान अच्छी टेक्नोलॉजी अपना करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रति इकाई उत्पादन प्राप्त कर सके और उसका सामाजिक स्तर अच्छा हो। राम राम जी, जय जवान, जय किसान, जय भारत।